हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। माय नेम इज़ अमित रत्नाकर और आज हम लोग क्लास टेंथ की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक स्टार्ट करेंगे। ये एन फ्रैंक ने लिखा है और ये एक छोटी सी लड़की थी जिस वक्त इन्होंने लिखा था, उस वक्त इनकी एज सिर्फ 13 साल की ही थी। तो बाद में इनकी डेथ जल्दी ही हो गई थी, तो इनकी जो डायरी थी उसको एज अ बुक इनके फादर ने पब्लिश करवाया था, उसी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो कि हमारे चैप्टर बेस पे चैप्टर दिया गया है हमको। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस बारे में है। तो सबसे पहले तो ये फ़ोटो देख लेते हैं, ये एन फ्रैंक हैं। दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। एन फ्रैंक, 10th October 1942। तो ये उन्होंने अपनी डायरी में 10th October 1942 को फ़ोटो लगाया था और कहा था कि मैं, काश ऐसा हो कि मैं हमेशा ऐसे ही बनी रहूं, तब क्या होगा कि मेरे को हॉलीवुड में जाने का चांस मिल सकता है। ठीक है, तो अपने आप को कह रही हैं वो। तो चलिए अभी तो ये देख लेते हैं। एनालिज मैरी एन फ्रैंक, 12th June 1929, February-March 1945। तो एनालिज मैरी एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक का पूरा नाम है। इनका जन्म 12 जून 1929 को और इनकी डेथ 1945 फेबररी या मार्च में हुई थी, एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है। ये एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी। ठीक है, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और जूइश धर्म को मानने वाले थे ये लोग। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन World War II। और ये इन्होंने डायरी तब लिखी थी जब ये जर्मन ऑक्यूपेशन था, मतलब जर्मन लोगों का राज चल रहा था, उन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया था। तब ये अपने फैमिली और चार दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, उस वक्त इन्होंने ये डायरी लिखी थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। और जर्मनी में जब नाजी लोगों की सरकार बन गई थी तब इन लोगों ने एम्स्टर्डम में आके ये लोग छुपे थे वहाँ पे। बट वर ट्रैप्ड वेन द नाजीस ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन टू द नीदरलैंड। लेकिन जैसे ही नाजी लोगों का जो अपना ऑक्यूपेशन था, जो उन लोगों का कब्जा था, वो जब नीदरलैंड पे भी उनका कब्जा हो गया, तब ये लोग ट्रैप्ड हो गए, ये लोग पकड़े गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन July 1942 इन हिडन रूम्स ऑफ आवर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जैसे जैसे इन जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ परसिक्यूशंस का मतलब होता है अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने जर्मनी छोड़ा और ये अपने फादर के ऑफिस में, जो इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में जाके ये लोग छुप के, वहाँ हिडन रूम्स बने हुए थे, छुपे हुए रूम्स थे अंदर बिल्डिंग में, उसमें रहने लगे। तो ये July 1942 से उसके अंदर छुप के रहने लगे। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स सिस्टम्स। तो क्या हुआ कि 2 साल तक तो ये वहाँ पे छुप के रहे, उसके बाद क्या हुआ, इनको बिट्रेड किया गया, किसी ने इनको धोखा दे दिया और ये पकड़े गए। उसके बाद क्या हुआ, इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या रहते थे कि जैसे जो जर्मन लोग थे, उनका जो नाजीस थे, उनका मानना था कि जूस लोग जो हैं वो उनके एकदम शत्रु हैं, वो खतरा हैं जर्मन्स के लिए, तो वो उनको एकदम ख़त्म कर देना चाहते थे उनके, तो उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। तो उन लोगों को पकड़ के वो कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था उनके साथ, जूइश लोगों के खिलाफ। तो उन कंसंट्रेशन कैंप्स में से तो कोई बहुत ही रेयर होता था कि कोई बच पाता था, वरना अधिकतर लोगों की वहाँ डेथ हो जाती थी। वेयर एंड डाइड बाय टाइफस इन बर्लिन बेसिन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। तो ये जो इनको जो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, वो बर्लिन बेल्सन में था, तो वहाँ पे इनकी एन की डेथ हो गई थी और अपनी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक के कुछ ही दिनों बाद इनकी डेथ हो गई थी टाइफस से। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। और उनके फादर ऑटो वो ही इकलौते थे जो कि बच पाए थे उस ग्रुप से, वो जब वार खत्म हो गया था तो फिर वापस वो एम्स्टर्डम में लौट आए थे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वहाँ आके उनको पता चला कि जो एन की डायरी थी वो बच गई थी।
कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उसके फादर थे वो इस बात से एकदम कन्विंस्ड थे, उनको पूरा भरोसा था कि एक एकदम यूनिक रिकॉर्ड है ये जो इनकी डायरी लिखी है इनकी बेटी ने। ही टुक एक्शंस टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको एज अ इस डायरी को एज अ बुक पब्लिश कर देता हूँ, और इसका नाम उन्होंने रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से उनको इंग्लिश में इसको बुक बना के पब्लिश कर लिया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1942। तो ये डायरी जो थी वो एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पे दी गई थी, और इसमें एन फ्रैंक ने 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक के अपने जो इवेंट्स थे लाइफ के उसको लिखा है। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेज। ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन इसको फिर बाद में बहुत सारी लैंग्वेज में इसको फिर बहुत ज़्यादा बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स टेलीविजन्स एंड थिएटरिकल प्रोडक्शंस, और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स और टेलीविजन एपिसोड्स और थिएटरिकल प्रोडक्शंस के ड्रामा भी बन चुके हैं, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और यहाँ तक कि इसके ऊपर ओपेरा भी बन चुके हैं। Described as the work of mature and insightful minds, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation. But इसको describe किया जाता है as a mature and insightful mind. ऐसा नहीं लगता कि किसी 13 साल की लड़की ने लिखी है, ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई mature होगा, बहुत ही सोच समझ के लिखने वाला इंसान उसने लिखी होगी, लेकिन ये लिखी तो actually में एन ने है। और इसको इससे क्या होता है कि इस डायरी से हमको जो नाजी जो राज चल रहा था, जो नाजी लोगों का हिटलर का जो राज चल रहा था उस वक्त, यहूदी लोगों की इनकी ज्यूइश लोगों की जो ज़िंदगी थी किस तरह की थी उसकी डिटेल से एकदम उनके बारे में उनको जानने को मिलता है। एंड फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टम्स। हॉलोकॉस्ट मतलब रहता है कि जब ज्यूइश लोगों को मारा जा रहा था, उनका खात्मा किया जा रहा था, तो जो पूरे के पूरे एकदम बस्तियाँ ख़त्म कर दी जाती थी, तो उस तरह के जो मारते थे उन लोगों को हॉलोकॉस्ट कहा जाता था। तो जो हॉलोकॉस्ट हो रहा था, जो पूरे ज्यूइश लोगों को पूरा का पूरा मार दिया जा रहा था, तो जितने भी ज्यूइश लोग मारे गए थे तो एन फ्रैंक उनमें सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड लोग थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात जो होती है वो किसकी होती है, एन फ्रैंक की होती है। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ से है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एन कहती है कि डायरी लिखना एक मेरे जैसे इंसान के लिए बड़ा ही एक अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और ऐसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉट एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स का मतलब रहता है थॉट्स, विचार। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है, बल्कि इसलिए है क्योंकि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को फ़र्क पड़ेगा कि एक 13 साल की लड़की क्या सोचती है या क्या विचार है उसके, इसको किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। हाँ ठीक है, इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन माई चेस्ट, और मेरे मन में जितनी भी बातें हैं मुझे उनको बाहर भी तो निकालना है, तो इसलिए भी मुझे डायरी लिखनी चाहिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। तो कहते हैं कि एक दिन मैं बड़ी उदास थी और एकदम बोर होके घर में बैठी थी, और मैं सोच रही थी कि घर से बाहर जाऊं या घर में ही रहूं। तभी मेरे मन में एक विचार आया, और तब मैंने सोचा कि ये पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कोई भी पेपर है उसमें लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। एक पेपर है उसके साथ आप जितना उसे आज बताना चाहो उतना बता सकते हो। मान लिया आपके मन में आज कुछ है और आप उसमें थोड़ा सा लिख के छोड़ देंगे, तभी भी पेपर आपसे ज़िद नहीं करेगा कि नहीं आप भाई पूरी बात आज ही लिखो।
लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, लोग तो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि पूरी बात बताएं आप, और लोगों पे आप पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने उनको कुछ बताया तो वो धैर्य नहीं रख पाएँ, वो वही बात जाके किसी और को बता दें, लेकिन पेपर तो ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को नहीं दिखाओगे पेपर, वो किसी को बताएगा भी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पेपर है मोर पेशेंस देन पीपल। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है कि सोचना, डीप थिंकिंग करना। तो कह रहे हैं कि फिर फाइनली मैंने वहीं रुकी जहाँ मैं ये सब विचार कर रही थी, जहाँ मैं ये सब सोच रही थी कि मैं घर से बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये सब सोच रही थी, मैं वहीं रुकी रही, घर से बाहर नहीं गई। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस। तो कहते कि हाँ ठीक है, पेशेंस सच में पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के मुकाबले, और जबकि मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि मैं किसी और को ये चीज़ पढ़ने दूँ। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, स्टिफ बैग्ड का मतलब होता है कि जो मजबूत उसकी बैक है, जो उसका कवर है बहुत ही मजबूत है। तो जो ये नोटबुक है जिसका कवर बहुत ही मजबूत है, ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, इसको ज़्यादातर लोग डायरी के रूप में जानते हैं। तो ये लिख रहे, बता रहे हैं कि जो जिसका ये मोटा सा गत्ता है, मोटा सा कवर है, स्टिफ सा, इसको ज़्यादातर लोग डायरी के रूप में जानते हैं। तो मैं तो ये किसी को दिखाने वाली हूँ नहीं, तो फिर मुझे इसी में लिख देना चाहिए। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और तब तक नहीं दिखाऊंगी किसी को जब तक मुझे कोई असली का फ्रेंड नहीं मिल जाता, रियल फ्रेंड। जब तक अगर मेरा कोई मिलेगा तो ही मैं उसे दिखाऊंगी, वरना नहीं दिखाऊंगी। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसमें क्या लिखा है, क्योंकि जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या लिखा है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन हिट इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। और अब मैं अब उसी पॉइंट पर वापस आ गई हूँ जिसने कि मुझको प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना, जिसने मुझे प्रेरित किया डायरी लिखने के लिए। और वो प्रॉम्प्ट, वो पॉइंट क्या था कि इसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। ठीक है, फ्रेंड नहीं है इसलिए वो डायरी लिख रही है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे ये बात और ज़्यादा क्लियर कर लेने दीजिए, क्योंकि कोई भी नहीं मानेगा कि 13 साल की उम्र की लड़की है और वो दुनिया में एकदम अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे एक फैमिली है, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। तो लविंग आंट्स भी हैं, फैमिली भी है, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग। और आपको एक सरफेस से ऊपरी तौर पे देख के आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड, बस सिर्फ एक असली ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अपना गुड टाइम, एक अच्छा समय कैसे बिताया जाए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और जब मैं अपने इन्हीं दोस्तों के साथ होती हूँ, 30 दोस्तों के साथ, तो मैं जो डेली की बातें हैं, जो ऑर्डिनरी सी बातें हैं, साधारण सी, वही बातें करती हूँ उनसे। अपने मन की कोई खास स्पेशल बात तो उनसे मैं कर ही नहीं पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कुछ क्लोज आ रहे हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही असली प्रॉब्लम भी थी कि मैं उनको कुछ नहीं बता सकती थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है भरोसा करना, कन्फाइड इन का मतलब होता है भरोसा करना। तो कह रहे कि हो सकता है कि ये मेरी फॉल्ट है, मेरी गलती है कि मैं, मतलब हम लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और भले कुछ भी हो अब चीज़ें तो ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और अनफॉर्चुनेटली अब वो चेंज भी नहीं होने वाली हैं। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी कारण मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और जो मेरे इमेजिनेशन में, जो मेरी कल्पनाओं में एक मेरा जो एक सच्चा दोस्त था जो आने वाला था, उसकी इमेज को एकदम क्लियर करने के लिए। अब वो किसको फ्रेंड बनाने वाली है, अपनी डायरी को। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जॉट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, मतलब लिखना। तो मैं अपनी डायरी में
अब जो फैक्ट्स हैं उनको बस सीधे एकदम लिखना नहीं चाहती हूँ, जैसे कि ज़्यादातर लोग लिख लेते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बने, और मैंने अपने इस फ्रेंड का नाम रखा है किटी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड टू माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन। प्लंग का मतलब होता है सीधे शुरुआत कर देना या कूद पड़ना एकदम। तो कह रहे कि अगर मैं सीधे ही कूद पड़ूँ अपनी कहानी पे, सीधे ही लिखना शुरू कर दूँ आज से, तो जो किटी जो है वो मेरी स्टोरी समझ ही नहीं पाएगी। आई वुड बेदर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अपनी लाइफ का थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षेप में बताना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, जो कि मुझे बताना बहुत ही ज़्यादा नापसंद था। मुझे अपने लाइफ के बारे में बताना किसी को पसंद नहीं था। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता जो कि एक सबसे प्यार करने वाले पिता थे जो मैंने कभी भी देखे थे। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। तो जब उनकी शादी हुई तो मेरे पिताजी की उम्र जो थी वो 36 थी और मेरी माँ की 25 थी। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर जो थी मार्गट, उनका जन्म जर्मनी में 1926 में हुआ था, फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 और मैं जब तक 4 साल की नहीं हो गई तब तक फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी जो थे वो 1933 में हॉलैंड के लिए इमिग्रेट करे गए थे। इमिग्रेट करना मतलब पलायन कर जाना। तो मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड के लिए पलायन कर गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। तो मेरी माँ जो थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी सितंबर में हॉलैंड चली गई थी पिताजी के पास। वाइल मार्गट एंड आई वॉज सेंट टू HN टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। लेक जबकि मार्गट को और मुझे, यानी बड़ी बहन को और इसको HN को HN भेज दिया गया था। ये भी एक जगह का नाम है जहाँ की इसकी दादी रहती थी। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और दिसंबर में मार्गट जो थी वो भी हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी और मैं फरवरी में गई वहाँ पर। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, plunked down का मतलब होता है casually रख देना। और तो वहाँ जाके ऐसा लगा कि मुझे टेबल पे ऐसे रख दिया गया जैसे मैं Margaret के बर्थडे गिफ्ट हूँ। I started right away at the Montessori Nursing School और मैंने Montessori Nursing School से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। I stayed there until I was 6 और जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैं वहीं रही, उसी स्कूल में रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और उस वक्त जब मैं 6 साल की थी तब मैं पहली क्लास में आ गई थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। तो जब मैं 6th क्लास में थी तो मिस्टर कुपेरस मेरी मुख्य टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल और जब साल ख़त्म हुआ तो हम दोनों ही रो रहे थे क्योंकि जो फेयरवेल था वो एकदम हार्ट ब्रेकिंग था। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया था। तो जब इन ये स्कूल छोड़ कर जा रहे थे तब दोनों ही बहुत ज़्यादा रोए थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और 1941 के समर्स में ग्रैंडमा बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे जो था वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन के साथ रहा, मतलब उसको बहुत ही कम सेलिब्रेट किया गया, ना के बराबर सेलिब्रेट किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और 1942 जनवरी में ग्रैंडमा की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर और ये बात कोई भी नहीं जानता कि मैं कितना ज़्यादा उनके बारे में सोचती थी और अभी भी उनसे प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर और जो अब मेरा बर्थडे होना था 1942 में, ये जो मेरा 1941 में जो पिछले साल का बर्थडे इसकी दादी के बीमार होने की वजह से ख़राब हो गया था, उसको एकदम उसके क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, कि उसके एक तरह से
मेकअप था उसका, ठीक है, उसको उसकी भरपाई करने के लिए ये बर्थडे किया जा रहा था, अब ज़्यादा अच्छी तरह से किया जाता। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और सभी के साथ मेरी ग्रैंड माँ की कैंडल भी मेरे साथ मेरे मेरे लिए जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो जो हम चारों लोग थे, चारों कौन थे, एन, इसकी सिस्टर मार्गेट, इसके फादर और इसके मदर, तो हम चारों लोग अच्छी तरह से रह रहे थे। और ये मुझे आज के डेट में ले आता है, आज की डेट है 20 जून 1942, जिस दिन से इन्होंने अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट की है। और ये मैं अब आधिकारिक रूप से, सोलम का मतलब होता है औपचारिक रूप से, तो सोलम रूप से ऑफिशियली मैं ये डेट जो है वो अपनी डायरी को डेडिकेट करती हूँ, ठीक है। तो ये डेट जो है उन्होंने अपनी डायरी के लिए डेडिकेट कर दी है। तो चलिए ठीक है, इसको पार्ट वन को अब यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अगले पार्ट्स के साथ मिलेंगे, तब तक आप सीखते रहिए। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।